हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा इनके फर्दर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि पेपर में फिर से रिपीट हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज विच लैब टेस्ट इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ मायोकार्डियल डैमेज। मायोकार्डियल डैमेज क्या है? अगर हर्ट में, हर्ट की वॉल में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, किस वजह से नहीं जा रही है? अगर कोई आर्टरी है, वेसल है, ऑक्लूड कर गई है, उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पोर्शन को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है और मायोकार्डियल डैमेज हो रहा है, हर्ट की वॉल जो है वो डैमेज हो रही है, उस केस में कौन कौन से ऐसे कार्डियक मार्कर्स हैं जो कि राइज करते हैं और मोस्ट इंडिकेटिव जो है वो है हमारा ट्रोपोनिन आई। इसके अलावा अगर कार्डियक मार्कर्स की बात करें तो कार्डियक मार्कर्स कौन कौन से हैं? ट्रोपोनिन, CKMB, मायोग्लोबिन एंड LDH. LDH इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। सो फर्स्ट इज ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन तीन तरह का है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन जो है हमने पहले भी देखा क्वेश्चन में कि ये मोस्ट सेंसिटिव मार्कर है। इसके अलावा इसकी वैल्यू राइज करती है विद इन 3 to 4 hours आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। पीक तक कब जाती है इसकी वैल्यू? विद इन 24 hours, देन इट रिमेन्स इन ब्लड फॉर 7 to 14 days आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज CKMB। CKMB इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव कार्डियक मार्कर। इसकी वैल्यू राइज करती है विद इन 4 to 6 hours, पीक पे रहती है इसकी वैल्यू एट 18 hours एंड इट रिमेन्स इन ब्लड फॉर 1 to 3 days, 1 to 3 दिन के लिए आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन CKMB ब्लड में रहता है। नेक्स्ट इज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज द फर्स्ट कार्डियक मार्कर टू राइज आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद सबसे पहले जो कार्डियक मार्कर राइज होता है वो है मायोग्लोबिन। ये विद इन 1 to 3 hours राइज कर जाता है और इसकी वैल्यू डिक्लाइन कर जाती है, कम हो जाती है ब्लड में जब ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाती है। देन नेक्स्ट इज LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इट इज लीस्ट इफेक्टिव कार्डियक मार्कर। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रिसेप्टिव स्पीच इज लोकेटेड इन टेम्पोरल लोब। सो अगर हम अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स की बात करें तो सभी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फ्रंट का ऊपर का पोर्शन होता है उसको हम सेरिब्रम बोलते हैं, सेरिब्रम के नीचे के पोर्शन को हम सेरिवेलम बोलते हैं। इसके अलावा जो आपको ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ब्रेन स्टेम और सेरिवेलम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेरिवेलम से पूछा जाता है कि अगर सेरिवेलम में इंजरी है, सस्पेक्टेड इंजरी है, तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो पेशेंट जो है अपना बैलेंस और कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी जो है मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेरिवेलम का काम क्या है? बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। देन नेक्स्ट ब्रेन स्टेम से पूछा जाता है, ब्रेन स्टेम में अगर इंजरी है तो हमें इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पेशेंट में हमें क्वाड्रीप्लेजिया देखने को मिल सकता है। क्वाड्रीप्लेजिया का मतलब है पेशेंट के हमें ऑल 4 limbs में पैरालिसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा बेसिलर स्कल फ्रैक्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, अगर स्कल के बेस के बोन्स जो हैं उनमें फ्रैक्चर हुआ है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इस केस में हम देखते हैं CSF लीकेज की प्रेजेंस के लिए। CSF लीकेज के लिए कैसे देखते हैं? जहां से सिक्रेशन आ रही है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि CSF है या नहीं है, तो उसके लिए हम ग्लूकोज टेस्ट करते हैं। अगर CSF में या उस लीकेज में ग्लूकोज प्रेजेंट है, इट मीन्स दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके अलावा अगर आप देखें जो सेरिब्रम है इसको 4 parts में डिवाइड किया गया है, 4 lobes में डिवाइड किया गया है, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। फर्स्ट इज फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में से ब्रोकास एरिया का स्पेसिफिकली नर्सिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पीच प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ब्रोकास एरिया जो कि फ्रंटल लोब में मिलता है हमें। इसके अलावा फ्रंटल लोब का काम है मोटर कंट्रोल करना, मोटर रिस्पॉन्सेज को, हमारी बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। टेम्पोरल लोब का काम है ऑडिटरी प्रोसेसिंग, हियरिंग एंड लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन भी इसी का काम है। इसमें से भी वर्नेक्स एरिया में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रिस्पॉन्सिबल है लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन के लिए। मेमोरी के लिए भी हमारा टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्सिबल है। पैराइटल लोब का काम है टच परसेप्शन एज वेल एज बॉडी ओरिएंटेशन। बॉडी ओरिएंटेशन का मतलब है राइट पार्ट कौन सा है, लेफ्ट बॉडी साइड कौन सी है, राइट कौन सी है, एंड सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ऑल 5 senses को ये किसका काम है? पैराइटल लोब का। देन ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर विजन के लिए भी ऑसिपिटल लोब ही रिस्पॉन्सिबल है, एंड
विजुअल रिसेप्शन एंड विजुअल इंटरप्रिटेशन के लिए. नेक्स्ट इज नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम. नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम रहता है हमारा 500 ml. बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है. इसके अलावा अगर आप लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज को देखें, फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन. जितना हम इनहेल करते हैं दैट इज टाइडल वॉल्यूम. मेल फीमेल में सेम रहता है 500 ml. नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली ओवर टाइडल इंस्पिरेशन विद मैक्सिमम एफर्ट. इसका मतलब है नॉर्मली इनहेल करने के बाद फोर्सफुली कितना इनहेल किया गया है, विच मीन्स टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ फोर्सफुली कितना इनहेल किया गया है उसको हम बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मेल में रहता है 3300 और फीमेल में 1900. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सिमिलर है. टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल करने के बाद कितना फोर्सफुली एक्सहेल किया गया है उसको हम बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये मेल में रहता है 1000 एंड फीमेल में रहता है 700. रेजिडुअल वॉल्यूम, द एयर रिमेन्स इन द लंग्स एट द एंड ऑफ मैक्सिमम एक्सपिरेशन. मैक्सिमम एक्सहेल करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट ऑफ लंग्स में कितना है उसको हम बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम. मेल में रहता है 1200, फीमेल में रहता है 1100. नेक्स्ट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन. नॉर्मली जब हम एक्सहेल कर रहे हैं उसके बाद हमारे लंग्स में कितना वॉल्यूम है दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो कि जरूरी है हमारे एल्वियोलाई को इन्फ्लेट रखने के लिए ताकि वो कोलैप्स ना कर जाए. इसका फॉर्मूला रहता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम. नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन. पहले फोर्सफुली इनहेल करना है देन फोर्सफुली एक्सहेल करना है, वो कैपेसिटी रहेगी हमारी वाइटल कैपेसिटी, विच इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम. देन टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम एयर इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन. मैक्सिमम एयर कितनी है लंग्स में मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद उसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, विच इज 6000 इन मेल एंड 4200 इन फीमेल. नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ मायोटिक इन नैरो एंगल ग्लूकोमा. मायोटिक का और मीडियाट्रिक्स का अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है. मायोटिक्स क्या करते हैं? प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं. मीडियाट्रिक्स क्या करते हैं? ये प्यूपिल को डायलेट करते हैं. बेसिकली मायोटिक्स नैरो एंगल ग्लूकोमा में क्या करते हैं, ये एक्वियस ह्यूमर जो कि हमारे आईज के एंटीरियर चैम्बर में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसके आउटफ्लो को इम्प्रूव करते हैं. ग्लूकोमा में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नॉर्मल इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर पूछा जाता है, नॉर्मल IOP, विच इज 10 to 21 mm of Hg. इसके अलावा पूछा जाता है कि IOP को हम किसके थ्रू मेजर करते हैं, तो IOP को हम मेजर करते हैं थ्रू टोनोमीटर. ग्लूकोमा के साइन एंड सिम्टम्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है. बेसिकली इसमें हमें टनल विजन देखने को मिलता है. टनल विजन का मतलब है कि पेशेंट को इस तरह से दिखेगा जैसे वो किसी टनल के थ्रू देख रहा है. इसको हम सेंट्रल विजन भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब है कि पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा, उसको पेरिफेरल विजन नहीं दिखेगा, पेरिफेरल साइट्स में वो नहीं देख पाएगा. इसके अलावा पेशेंट को कलर्ड हेलोज दिखते हैं. कलर्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं, रिंग्स जो हैं, उसको कलर्ड दिखेंगी, जो कि अबनॉर्मल है. इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट. मेडिकल मैनेजमेंट में हम कुछ ऐसे ड्रग्स यूज करते हैं जो कि एक्वियस ह्यूमर का आउटफ्लो इंक्रीज कर रहे हैं या फिर एक्वियस ह्यूमर की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं. तो जो एक्वियस ह्यूमर की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं ऐसे ड्रग्स हैं बीटा ब्लॉकर्स और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स. ऐसे ड्रग्स कौन से हैं जो एक्वियस ह्यूमर की आउटफ्लो को इंक्रीज करते हैं? पिलोकार्पिन, पैनिटोल एंड लेंटोप्रोस्ट. तीनों ड्रग्स जो हैं ये एक्वियस ह्यूमर के आउटफ्लो को इंक्रीज करते हैं. इसके अलावा सर्जरी की जाती है. सर्जरी का नाम है इरिडोटमी एंड इरिडेक्टमी. इरिडोटमी और इरिडेक्टमी का मतलब है या तो हम ऑटमी, मतलब हम कोई ओपनिंग कर रहे हैं तो आयरस का छोटा सा पार्ट रिमूव करके हम ओपनिंग बना देते हैं, या फिर इरिडेक्टमी कर रहे हैं, आयरस को पूरा ही रिमूव कर दे रहे हैं. इससे क्या होगा, जो एक्वियस ह्यूमर है, जो फ्लूइड है, वो आईज से आउट जा सकता है, उसका आउटफ्लो इंक्रीज हो जाएगा और इंट्राओक्युलर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. देन नेक्स्ट इज द ग्लैंडुलर सेल इन रेस्पिरेटरी ट्रैक दैट सिक्रेट म्यूसिन. म्यूसिन कौन से ऐसे ग्लैंडुलर सेल्स हैं जो कि सिक्रेट करते हैं? गॉबलेट सेल्स, जिनको कि हम म्यूकस सेल्स भी बोलते हैं.
इस तरह से होते हैं, ये आप देख सकते हो, ये क्या करते हैं, म्यूसिन को सिक्रीट करते हैं। म्यूसिक क्यों जरूरी है, म्यूसिक एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मॉइस्ट रहता है, जो कि जरूरी है, इसीलिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में गॉबलेट सेल्स हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्मल सीरम फॉस्फोरस लेवल कितना होता है, इट इज 3 to 5.5 mg/dL। लैब वैल्यूज कई बार पूछ ली जाती हैं, नॉर्मल सोडियम लेवल रहता है हमारा 135 to 145 mEq/L, पोटेशियम रहता है 3.5 to 5 mEq/L, 1 blood urea nitrogen, ये रहता है 5 to 20 mg/dL। क्रेटिनिन की वैल्यू रहती है नॉर्मल, क्रेटिनिन की वैल्यू और बन की वैल्यू बहुत बार पूछी गई है, इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम भी बहुत बार पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको आने चाहिए। क्रेटिनिन की नॉर्मल वैल्यू है 0.6 to 1.2 mg/dL, ग्लूकोज नॉर्मल रहता है 70 to 110 तक भी हम ले लेते हैं, इसके अलावा कैल्शियम 8.5 to 10.5 mg/dL, क्लोराइड का नॉर्मल वैल्यू है 95 to 105 mEq/L। बाइकार्बोनेट का नॉर्मल लेवल रहता है 22 to 28 ले सकते हैं हम, या फिर कुछ बुक्स में 23 to 29 भी दिया गया है। नेक्स्ट इज द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कौन सा डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है प्रोड्यूस करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है, तो एमाइलेज एंजाइम जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा दो एंजाइम और हैं, कौन से, प्रोटीएज एंड लाइपेज। प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है, एंड लाइपेज क्या करता है, ये फैट की डाइजेशन करता है। तीनों ही क्वेश्चन नॉर्सेट में बहुत बार पूछे गए हैं, इसके अलावा दूसरे एग्जाम्स में भी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। पेनक्रियाज से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेनक्रियाज में अगर पेनक्रियाटिक कैंसर है तो उस केस में मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, तो पेनक्रियाज का हेड जो है वो मोस्ट कॉमन साइट है फॉर पेनक्रियाटिक कैंसर। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कहाँ शुरू होती है, या फिर आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है फूड की डाइजेशन कहाँ शुरू होती है, तो फूड की डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो माउथ में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्लाइवा जो है उसमें अमाइलेज होता है, और अमाइलेज क्या करता है, अभी हमने देखा, ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। इसके अलावा पेनक्रियाटिक ट्यूमर का आपको ट्यूमर मार्कर पूछा जा सकता है पेनक्रियाटिक कैंसर का, विच इज CA19-9। नेक्स्ट इज नॉर्मल CSF ग्लूकोज लेवल कितना रहता है, जो कि हमने देखा कि अगर हमने चेक करना है कि जो फ्लूइड आ रहा है, ड्रेनेज आ रही है, वो CSF है या नहीं है, तो उसके लिए हम ग्लूकोज चेक करते हैं, तो इसकी वैल्यू रह जाती है बिटवीन 50 to 75, इतना ग्लूकोज लेवल हमें देखने को मिलता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। ऑन एन एवरेज भी पूछा जाता है, तो ऑन एन एवरेज रहता है 60 mg/dL। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिटोनाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के इन्फ्लेमेशन को हम पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा पेरिटोनाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट इज बेस्ट टेस्ट फॉर लिवर डिस्फंक्शन बहुत बार पूछा गया है। सो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है ये बेस्ट टेस्ट है फॉर लिवर डिस्फंक्शन। इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट में हम और कौन कौन से टेस्ट करते हैं, बिलिरुबिन चेक करते हैं, विच इज 0 to 1 mg/dL नॉर्मल। कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन रहता है 0 to 0.3 mg/dL, अनकॉन्जुकेटेड रहता है 0.2 to 0.6 mg/dL। कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन को डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोला जाता है, और अनकॉन्जुकेटेड को इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोला जाता है। SGOT, SGPT जो कि लिवर एंजाइम्स हैं, इनकी वैल्यू रहती है बिटवीन 10 to 40 IU/L। एल्किलाइन फॉस्फेट की वैल्यू रहती है बिटवीन 40 to 112 IU/L। टोटल प्रोटीन की वैल्यू रहती है 6 to 8.5 g/dL। अब हम लिवर फंक्शन टेस्ट में प्रोटीन्स की वैल्यू क्यों देख रहे हैं, क्योंकि लिवर का काम है प्रोटीन के सिंथेसिस करवाना और उनको स्टोर करके रखना, इसीलिए लिवर फंक्शन टेस्ट में प्रोटीन की वैल्यू भी देखी जाती है। तीन तरह के प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन की नॉर्मल वैल्यू रहती है 3.5 to 5 g/dL, ग्लोबुलिन की रहती है 2 to 3.5 g/dL, एंड फिब्रिनोजन जो है वो हमारा थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन का काम है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखना, ग्लोबुलिन का काम है सभी तरह की एंटीबॉडीज बनाना। जिसके अलावा हमारा थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन है फिब्रिनोजन, ये क्लॉटिंग फैक्टर है। क्लॉटिंग फैक्टर वन जो है वो है हमारा फिब्रिनोजन, जिसका काम है क्लॉटिंग करना, ब्लड को क्लॉट करवाना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लॉटिंग प्रोटीन भी बोला जाता है।
नेक्स्ट इज टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर कौन सा है, या फिर इसको आप हीट रेगुलेटरी सेंटर भी बोल सकते हैं, विच इज हाइपोथैलेमस। इसके अलावा हाइपोथैलेमस थर्स्ट रेगुलेटरी सेंटर भी है, एज वेल एज एपेटाइट और हंगर रेगुलेटरी सेंटर भी है। अगर आपसे रेस्पिरेटरी रेगुलेटिंग सेंटर पूछा जाए तो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेडुला ऑब्लोंगाटा। एंड पॉन्स, जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है ये रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन रेट के लिए, और जो पॉन्स है रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन डेप्थ के लिए, कितना डीपली हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पॉन्स। नेक्स्ट इज पिन पॉइंट प्यूपिल्स आर एसोसिएटेड विद ओपेट पॉइजनिंग। अगर ओपेट या ओपेट्स की पॉइजनिंग है तो उसमें हमें पिन पॉइंट प्यूपिल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में भी हमें पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलते हैं। पॉन्टाइन हैमरेज, पॉन्टाइन हैमरेज का मतलब है इंट्राक्रेनियल हैमरेज, एक तरह की इंट्राक्रेनियल हैमरेज है, ब्रेन में हैमरेज है, ब्लीडिंग हो रही है। किस वजह से होती है, मेनली इसका रीजन रहता है हाइपरटेंशन, उस केस में भी हमें पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पिलोकार्पिन जो अभी हमने डिस्कस की, जो कि एक्विस ह्यूमर के फ्लो को इंक्रीज कर देती है, ये हम ग्लूकोमा में यूज कर रहे थे, इस केस में भी आपको पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन इन किडनी, पूछा जाता है तो कैल्शियम स्टोन जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन्स हैं इन किडनी। नेक्स्ट इज व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन प्लानिंग केयर फॉर क्लाइंट विद बेल्स पाल्सी। अगर बेल्स पाल्सी का पेशेंट है, बेल्स पाल्सी के केस में पूछा जाता है कि कौन सी क्रेनियल नर्व के डैमेज होने से बेल्स पाल्सी देखने को मिलती है, तो सेवेंथ क्रेनियल नर्व जो कि है हमारी फेशियल नर्व, उसके डैमेज होने की वजह से बेल्स पाल्सी आपको देखने को मिलती है। इस केस में हमारा प्लान ऑफ केयर में क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, तो इस केस में हमने कॉर्नियल डैमेज जो है उसको प्रिवेंट करना है। कॉर्नियल डैमेज क्यों प्रिवेंट करना है, क्योंकि बेल्स पाल्सी का जो पेशेंट है वो अपनी आईज को क्लोज नहीं कर पाता, इसीलिए उनमें कॉर्नियल डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसमें हम कॉर्निया को डैमेज होने से बचाते हैं। इसके अलावा बेल्स पाल्सी में आपको देखने को मिलेगा इनेबिलिटी टू रिंकल ब्रो एंड ड्रूपिंग आईलेट, जिसको कि हम टॉसिस बोलते हैं, वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इनेबिलिटी टू पफ चीक, एसिमेट्रिकल स्माइल आपको देखने को मिलेगी एंड ड्रूपिंग कॉर्नर ऑफ द माउथ, और ड्राई माउथ आपको इस पेशेंट में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट टार्सल बोन कौन सी है, सो इट इज कैल्केनियम, इट इज द लार्जेस्ट टार्सल बोन, टोटल टार्सल बोन है हमारी 7। ह्यूमन स्केलेटल को दो तरह के स्केलेटल में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल। टोटल ह्यूमन स्केलेटल में 206 बोन्स होती हैं, एट बर्थ ये रहती हैं 300, लेकिन जैसे जैसे एज ज्यादा होती रहती है वैसे वैसे बोन्स फ्यूज करती जाती हैं, और एडल्ट एज तक हमारे पास रह जाती हैं 206 बोन्स। उसमें से 80 जो है वो एक्सियल स्केलेटल में है और 126 जो है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अपेंडिकुलर स्केलेटन बेसिकली आ जाता है हमारे लिम्स जो कि हैं आर्म्स एंड लेग्स। एक्सियल स्केलेटल में आता है हमारी सेंट्रल बॉडी पार्ट्स, जैसे कि स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है एंड स्टर्नम है। स्कल में टोटल 29 बोन्स हैं, इसमें 8 क्रेनियल बोन्स हैं और फेशियल बोन्स जो रहती हैं 14। बोन्स के नंबर कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हाइवाइड बोन जो कि आपको नेक में देखने को मिलेगी वो रहती है 1, और ये अकेली ऐसी बोन है जो किसी अदर बोन के साथ ज्वाइंट नहीं करती है और कोई ज्वाइंट नहीं बनाती है। ईयर ऑसिकल्स ईच ईयर में आपको 3-3 देखने को मिलेंगे, मैलस, इंकस एंड स्टेक्स, जो कि मिडल ईयर में मिलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम अगर हम फ्यूज्ड देखें तो वो 26 होते हैं, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1। अगर अनफ्यूज देखें तो ये 5 होते हैं, कॉकिक्सियल या कॉकेक्स जो है वो 1 होता है, अनफ्यूज देखें तो ये हमें 4 देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्टर्नम जो कि रिब्स को ज्वाइन करता है फ्रंट साइड में, एंटीरियर साइड में, उसको हम बोलते हैं स्टर्नम, एक ही बोन है। देन अपेंडिकुलर स्केलेटल में आ गया हमारा ग्रिडल बोन्स एंड लिम्स। ग्रिडल बोन में आ गए हमारे पेक्टोरल ग्रिडल एंड पेल्विक ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल में रहती हैं 4 बोन और पेल्विक ग्रिडल में रहती हैं 2 इनॉमिनेट बोन। इसके अलावा लिम्स में टोटल 120 बोन्स हैं, जिनमें से आर्म में है 60 और लेग्स में 60। यहाँ पे सिंगल आर्म की बात की गई है तो इसमें रहती है एक सिंगल आर्म में रहती है एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, कार्पल्स रहते हैं 8, मेटाकार्पल्स रहते हैं 5, फेलेंजेस रहते हैं 14, फीमर
यहाँ पे सिंगल लेग की बात की गई है, फीमर है एक, टीबिया एक, फिबुला एक, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फेलेंजेस 14 एंड पटेला 1। इसके अलावा अगर आपने डिटेल में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जाके डिटेल में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज डायबिटीज मेलाइटस इज यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय पीपल बाय ग्लाइकोज यूरिया, विच मीन्स यूरिन में ग्लूकोज सिक्रेशन होती है। लोग डायबिटीज मेलाइटस को मेनली इसी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा 3P हमें देखने को मिलते हैं, विच आर पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया, जिसका मतलब है पेशेंट को भूख ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी और पेशेंट को यूरिन ज़्यादा आता है। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो तरह की डायबिटीज़ होती है हमारे पास, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 को हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ भी बोलते हैं, जो कि हमें 30 साल से कम लोगों में देखने को मिलती है। जो टाइप 2 है उसे हम अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं और ये हमें 30 के ज़्यादा एज के लोगों में देखने को मिलती है। जो टाइप 1 है इसमें बॉडी जो है इंसुलिन नहीं बनाती है, इसीलिए हमें बाहर से पेशेंट को इंसुलिन देनी पड़ती है। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन बनती है लेकिन हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर पाती, जिस वजह से पेशेंट का शुगर लेवल हमें ग्लूकोज लेवल हाई देखने को मिलता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं जिसमें से हम कुछ ही डिस्कस कर पाएंगे। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस में से क्वेश्चन पूछा जाता है HbA1c का, जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इसको हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो है हमारी बॉडी में 90 डेज के लिए रहता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू लेस देन 6% है। प्री डायबिटिक अगर हम कंसिडर करेंगे, अगर इसकी वैल्यू 6-7% है, अगर मोर देन 7% है देन पेशेंट इज डायबिटिक। अगर आप चाहते हैं कि हम डायबिटीज मेलाइटस को डिटेल में डिस्कस करें, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिटेल में अगर आप चाहते हैं कंडीशन डिस्कस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, काफ मसल्स पेन ड्यू टू शार्प डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट। अगर हम फुट को डोर्सिफ्लेक्स कर रहे हैं, फ्लेक्शन का मतलब होता है हम एंगल रिड्यूस कर रहे हैं, जैसे इसमें किया जा रहा है, बॉडी के पार्ट्स में एंगल रिड्यूस किया जा रहा है। अगर हम एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। अगर डोर्सिफ्लेक्शन से पेशेंट के काफ मसल्स में पेन होता है, इट मीन्स होमन साइन पॉजिटिव है। अगर होमन साइन पॉजिटिव है तो यह हमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केस में पॉजिटिव देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज मोस्ट स्पेसिफिक इंडिकेटर टू डायग्नोस पैनक्रियाटाइटिस। सो पेंक्रियाटाइटिस के लिए मोस्ट स्पेसिफिक इंडिकेटर जो है वो है अमाइलेज। अमाइलेज हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाता है। नेक्स्ट इज विच मलेरियल पैरासाइट कॉज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम करवाता है, जो कि मलेरिया भी कॉज करता है। इस केस में होता क्या है, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं नेफ्रॉन में, किडनी में, जो कि ब्लड को फिल्टर करती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। इस वजह से हमें पेशेंट में स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया का मतलब है हमें पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, इसका मतलब है पेशेंट के ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल जो है डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन जो है यूरिन में सिक्रीट हो रहे हैं, तो ब्लड में एल्ब्यूमिन जो कि एक प्रोटीन का टाइप है उसका अमाउंट हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। अगर एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो रहे हैं तो हमें पेशेंट में जनरलाइज एडिमा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कम है, जिस वजह से फ्लूइड हमारे वेसल्स में से शिफ्ट होकर सराउंडिंग टिश्यूज में चला जाएगा, जिस वजह से हमें पेशेंट में एडिमा देखने को मिलेगा। जनरलाइज एडिमा का पूछा जाता है, जनरलाइज्ड एडिमा को हम एनासार का भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज एपनिया डिस्क्राइब्स वेरिंग पीरियड ऑफ एपनिया इज सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग। पेशेंट ब्रीद नहीं कर पा रहा है उसको हम एपनिया बोलते हैं। अलग अलग एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं पेशेंट में। यूपीनिया, इट इज नॉर्मल ब्रीदिंग रेट एंड पैटर्न। देन टेकीपीनिया, टेकीपीनिया का मतलब है रेस्पिरेशन रेट जो है वो इंक्रीज है। ब्रेडीपीनिया का मतलब है डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट है, इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा फीवर के केस में, एंग्जाइटी, एक्सरसाइज एंड शॉक। ब्रेडीपिनिया आपको देखने को मिलेगा स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप, ड्रग्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में एंड हेड इंजरी एंड स्ट्रोक में। देन एपनिया जो कि अभी हमने देखा, विच इज सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग और एबसेंट ब्रीदिंग, ये हमें देखने को मिलता है डिजीज पेशेंट जिनकी डेथ हो चुकी है, हेड इंजरी के पेशेंट्स में या फिर स्ट्रोक के पेशेंट में। नेक्स्ट इज हाइपरपीनिया। हाइपरपीनिया का मतलब है रेट नॉर्मल है बट पेशेंट
डीपली रेस्पायर कर रहा है, डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहा है, ये हमें देखने को मिलता है इमोशनल स्ट्रेस के केस में और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में। नेक्स्ट इज काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन। काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन में देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेस्पिरेशन विद पीरियड ऑफ एपनिया। पहले रेस्पिरेशन रेट और डेप्थ जो है इंक्रीज करेगी, देन डिक्रीज करेगी, उसके बाद हमें एक एपनिया का एपिसोड देखने को मिलेगा, बट ये हमें एट रेगुलर इंटरवल देखने को मिलेगा। अगर हमें इरेगुलर इंटरवल पे हमें देखने को मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे बाइटॉट्स रेस्पिरेशन। कॉस्मोल रेस्पिरेशन क्या है? कॉस्मोल रेस्पिरेशन में टैकीपीनिया और हाइपरपीनिया दोनों ही देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है पेशेंट जल्दी जल्दी रेस्पायर करेगा, पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा एज वेल एज डेप्थ भी इंक्रीज होगी। काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलेगा इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में, ब्रेनस्टेम इंजरी में, और बाइटॉट्स रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलेंगी स्पाइनल मेनिनजाइटिस में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से डिजीज कंडीशन में कौन सी तरह की रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलती है। देन अगर CNS इंजरी है, हेड इंजरी है, उस केस में भी हमें बाइटॉट्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी। रीनल फेलियर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस केस में आपको कॉस्मोल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा एपनियोस्टिक रेस्पिरेशन, जिसका मतलब है प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन फेज विद शॉर्टन्ड एक्सपिरेटरी फेज। इंस्पिरेशन आप लंबे टाइम के लिए कर रहे हो, लेकिन एक्सपिरेशन जो पेशेंट है वो कम टाइम के लिए कर रहा है, ये हमें देखने को मिलेगा। अगर ब्रेन स्टेम में, जो कि अभी हमने देखा ब्रेन का एक स्टेम लाइक पार्ट है, उसमें अगर लेजन प्रेजेंट है तो उस केस में हमें एपनियोस्टिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट इज विच ड्रग इज विथहेल्ड इफ द पेशेंट पल्स इज पेशेंट्स पल्स इज लेस देन 60 पर मिनट। अगर पेशेंट की पल्स 60 से कम है, 60 बीट्स पर मिनट से कम है, तो हम डाइजॉक्सिन जो है उसको तो एडमिनिस्टर नहीं करते हैं और उसकी नेक्स्ट डोज जो है वो नहीं दी जाती है। इसके अलावा ये एडल्ट के केस में था, अगर आपसे चिल्ड्रन के केस में पूछा जाए, चाइल्ड के केस में पूछा जाए, तो अगर 70 बीट्स पर मिनट से आपको कम देखने को मिल रही है, एटलीस्ट 70, तो उसमें हम डाइजॉक्सिन एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, रोक देते हैं। इन्फेंट के केस में लेस देन 90 कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सप्रेस द फंक्शन ऑफ। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं? हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को सुप्रेस कर देते हैं। किसी पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जा रहे हैं तो उस केस में अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने क्या करना होता है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इस केस में इम्यून रिस्पॉन्स कम है तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए हमने पेशेंट को इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करना होता है। नेक्स्ट इज विच ड्रग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म का मतलब है T3, T4 जो हैं ज़्यादा सेक्रेट हो रहे हैं, उस केस में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है? ल्यूगोल सॉल्यूशन दिया जाता है, जो कि एक आयोडीन सॉल्यूशन है। इसके अलावा प्रोपाइल थायोरेसिल एंड मिथिमाजोल, प्रोपाइल थायोरेसिल एंड मिथिमाजोल दो ड्रग हैं जो कि दी जाती हैं पेशेंट को। हाइपोथायरॉइडिज्म के केस में भी पूछा जाता है, उस केस में T3, T4 की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो इस केस में पेशेंट को लिवोथायरॉक्सिन जो है ड्रग दी जाती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेसिफिक थायराइड फंक्शनिंग अगर हमें देखनी है तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, तो उसके लिए हम TSH की वैल्यू चेक करते हैं। TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाइपरथायरॉइडिज्म के केस में ये हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा और हाइपोथायरॉइडिज्म के केस में TSH की वैल्यू हमें इंक्रीज देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि थायराइड हार्मोन ज़्यादा है इन केस ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म, उस केस में ऑलरेडी थायराइड हार्मोन ज़्यादा है, इसलिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और इसका रिवर्स होगा हाइपोथायरॉइडिज्म में। इस केस में T3 T4 कम है, इसलिए TSH ज़्यादा सिक्रीट होगा ताकि वो T3 T4 की सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर पाए। नेक्स्ट इज नॉर्मल GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट। इस रेट से हमारी किडनी जो है ब्लड फिल्टर करती है। देन स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग अकर। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग कब होती है? जब प्लेटलेट काउंट लेस देन 20,000 पर क्यूबिक mm रह जाता है। हमने दूसरी वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि प्लेटलेट सभी टाइप की सेल, प्लेटलेट RBC WBC कौन बनाता है? हमारा रेड बोन मैरो बनाता है। तो इस केस में जिसमें प्लेटलेट्स जो हैं लेस देन 20,000 रह गए हैं, उस केस का साइन एंड सिम्टम पूछा जाता है। तो इस केस में हमें पिटैकिए जो हैं देखने को मिलेंगे। पिटैकिए का मतलब है ब्लूइश कलर के या पर्पल कलर के स्पॉट आपको पेशेंट की बॉडी पे देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब है पेशेंट में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनल ब्लीडिंग का इंडिकेशन क्या है अगर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज है, तो इस केस में हमें पेशेंट में पिटैकिए देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज नॉइजी रेस्पिरेशन, जो कि प्रोड्यूस हो रही है जब टर्बुलेंट एयर फ्लो है, मतलब ज्यादा एयर फ्लो है नैरो एयर पैसेजेस में, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्राइडर। नेक्स्ट इज इन बर्न पेशेंट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। बर्न के पेशेंट में डेथ किस वजह से होती है? रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज की वजह से होती है। रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज क्यों होता है?
बर्न के पेशेंट में, क्योंकि इनमें एडिमा हमें देखने को मिलता है। बर्न के केस में एडिमा हमें देखने को मिलता है अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जिसमें कि लैरिंग्स है, ऑरोफेरिंग्स है, माउथ है, टंग है, इन सब में अगर एडिमा हो रहा है, इस वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और पेशेंट की डेथ हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट इज विच स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को कौन स्टिमुलेट करता है? तो वो करता है एंजियोटेंसिन 2, रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें रेनिन जो कि किडनी से सिक्रीट होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, रेनिन किडनी से सिक्रीट होता है, ये करता क्या है? एंजियोटेंसिन 1 के सिक्रीशन करवाता है। एंजियोटेंसिन 1 जो है एस जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, उसकी हेल्प से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम वाटर की रिटेंशन करता है। तो यही रास सिस्टम है, ये हमारा बीपी रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है, सोडियम वाटर रिटेंशन करता है मेनली। देन द प्राइमरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है या कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रीट करती है? वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। स्ट्रेस हार्मोन का दूसरा नाम है कॉर्टिसोल। विच हार्मोन डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। यूरिन का प्रोडक्शन एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको कि डेस्मोप्रेसिन या वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है, वो डिक्रीज करता है। एंटी डायरेटिक मतलब डायरेसिस को रोक रहा है, यूरिन को या बॉडी से फ्लूइड की एक्सक्रीशन को रोक रहा है, उसको हम बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन, और इसका पूछा जाता है ऑक्सीटोसिन, ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये दो हार्मोन सिक्रेट करती है। नेक्स्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ सिरोसिस, लिवर सिरोसिस की हम बात की गई है, तो कॉमनेस्ट टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस विच इज स्कारिंग ऑफ लिवर, इट इज एल्कोहलिक सिरोसिस। एल्कोहल की वजह से जो लिवर सिरोसिस हो रही है वो मोस्ट कॉमन टाइप है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। यहाँ से बहुत ज्यादा रिपिटेटिव क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के की पॉइंट्स जो हैं हर एक सब्जेक्ट के बनते रहें, MSN के भी और ज़्यादा की पॉइंट्स की वीडियो बनाई जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।